नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। शादी का झांसा देकर युवक ने महिला के साथ कई वर्षों तक किया दुष्कर्म, पति को भी उतारा मौत के घाट और देता रहा यातनाएं। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, पीड़िता दर दर भटकने को हुई मजबूर। यूपी के बदायूं में हबस के भूखे दरिंदे ने शादी का झांसा देकर महिला से सालों साल न सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसे उसके पति को भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। दूधमुही बच्ची को लेकर पीड़िता अब दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मामला जिला बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक गरीब महिला को शादी का झांसा देकर युवक उसकी इज्जत से खेलता रहा और कई वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाए उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। पीड़िता की माने तो पति की हत्या भी शादाब ने की थी। उसके बाद शादाब ने मुझे धमकियां देकर अपने खेत पर मजदूर बनाकर रखा। उसी बीच शादाब मेरे साथ दिन रात बलात्कार करता रहा और मुझसे खेत में काम करवाता रहा। जब मैं माँ बनने वाली थी तभी शादाब ने मुझे बेल्ट से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। तभी आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने मुझको उठाकर कॉलोनी ले गए। वहाँ पर मैंने बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद थाना सासवान में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़िता ने बताया कि अभी तक आरोपी शादाब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। महिला ने बताया कि मैं अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। पीड़िता अब दर दर भटकने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? बबली। क्या क्या मामला है? कहते था जो हमारे यहाँ सादा आते थे जी। हमारे मियाँ के जो आते थे बैठना उठना करते थे जी। और बैठने उठने के बाद में हमारे लिए अपने खेत पर रखा था जी। तो उनने खेत पर रखने के बाद में हमारे 10 साल का बेटा था, उसके खेत पर बीमार हुआ। वो बोला कि माँ मुझे पैसे दे दे, ये गरीब लोग हैं, इनकी कहा के तो बेटे को मैं दिखा दूँ। माँ बोली कि बेटा मुझ पर पैसा ना तो दिल्ली से दिल्ली ले जा। दिल्ली ले जाने के बाद में माँ से आने के बाद में हमारे मियाँ के संग जितना भी पैदा करके लाता इसके पौए और दारू चलती थी। उसके बाद में इनसे नीचे लड़ाई हुई, इनसे हमारे मियाँ से और इसकी। जब लड़ाई हुई तो लड़ते लड़ते छत पर पहुँच गया। तो लड़ाई होने के बाद में जब जो छत पे पहुंच गया तो मैं नीचे रह गई। तो मैंने ये कहा था मैंने कि जब मुझे पता पड़ी तो मैंने गई, मैंने तुम सब जने नीचे चलो, यहाँ मत लड़ो, नीचे आ जाओ। जो नीचे आए ना मैं उतर के नीचे आ गई, इनमें आपस में लड़ाई होती रही। मैंने जाकर छत पे देखा तो वो मुझे गिरा मिला। कौन में गिरा मिला? हमारे में आदमी गिरा मिला, इन्हें फेंक दिया। किसने? शादाब ने फेंक दिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ के बाद में जब मैंने देखा तो जब बोला कि बबली तू झूठ बोल के, मैंने किससे कैसे झूठ बोलूं कि ऐसा कह दे कि मेरा मियाँ खुद कूद के गिरा, खुदकुशी अपने आप करी थी जी। फिर क्या हुआ? तो फिर मुझसे बोला कि तू बच जाएगी, तू पकड़ी नहीं जाएगी, जो है जाएगी कि दारू पी के अपने आप कूद गया, तेरा कुछ भी नहीं होगा। अब आगे बाद में बोला कि तेरे चल मेरी, मैंने तेरी जिंदगी खराब करी है तो मैं उस तेरी जिंदगी काटने को मैं तैयार हूँ, मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूँगा, तेरे बच्चों को पालूंगा, तेरे बच्चा का मैं बेबस बनाऊंगा। और उसके बहन बहन ही मुझसे ये कहते हैं कि इसे छोड़ दे, इसे भगा दे, इसके साथ तुझे नहीं रहने दूंगा, 25 तारीख को तेरी शादी कर रहे हैं। शादी करने के बाद में जाकर बहनों ही मुझसे कह रहे हैं या तो यहाँ से मरवा दूंगा या भगवा दे, यहाँ से भाग जाएगी। इसके मोहल्ले वाले कह रहे हैं तो मुझसे निदा कह रही हैं कि हमारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इसे ऐसा कर थाने में रुपये दे दे, सब लंग 50-50 हज़ार रुपये दे दे, और रुपये देने के बाद में कहते थे तेरी सुनवाई हो जाएगी, सब पुलिस भगा देगी, तेरी सुनवाई कहीं ना होगी, हम तो पैसा हमारा पैसा काम कराएगा। आपने उसके खिलाफ तहरीर दी क्या? नहीं दी। तहरीर दी आपने क्या? बधाइयाँ। हाँ बधाइयाँ दी थी उसके खिलाफ मैंने। क्या हुआ था फिर?